अभी मैं पहुंचा हूं छिपला केदार की पहाड़ियों में। अगले 24 घंटे में विदाउट टेंट इन पहाड़ियों में रहने वाला हूं। पीछे वाले इन पहाड़ियों पर कहीं पर एक केव ढूंढ के मैं रहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहां पे रात का टेम्परेचर -15 तक जाता है और यहां पे कभी भी स्नो स्टॉर्म आ सकता है। क्या मैं अगले 24 घंटे सर्वाइव कर पाऊंगा? गुड मॉर्निंग गाइस, एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत स्पेशल और अलग रहने वाली है। अभी मैं पहुंचा हूं छिपला केदार की पहाड़ियों में। 3000 मीटर की एलिवेशन पर फिलहाल मैं हूं और अगले 24 घंटे मुझे सर्वाइव करना है विदाउट टेंट। तो मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कैसे मैं यहाँ पर सर्वाइव करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रात का टेम्परेचर -15 तक जाता है। तो काफ़ी चुनौतियाँ रहेंगी इस बार, देखते हैं क्या होता है, क्या मैं अगले 24 घंटे सर्वाइव कर पाऊँगा, यह आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल देखो मौसम थोड़ा ख़राब होना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे कभी भी स्नो स्टॉर्म आ सकता है। तो ऐसे में जल्दी जल्दी पहुँच के सबसे पहले शेल्टर ढूँढना पड़ेगा। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ स्नो और गहरी होती जा रही है और कहीं कहीं पे 3 फीट तक गहरी स्नो है और ऊपर से मौसम आज थोड़ा बदल चुका है। यहाँ पे बर्फीले तूफान आना एक नॉर्मल बात है। तो ऐसे में मुझे जल्दी जल्दी जाके कोई शेल्टर ढूंढना पड़ेगा और थकान इतनी हो गई, बर्फ़ में चलना काफ़ी टफ रहता है, पैर एकदम 2 फीट तक धस जा रहे अंदर। और पीछे वाले इन पहाड़ियों पर कहीं पर एक केव ढूँढ के मैं रहने की कोशिश करूंगा। टाइम 11 बज चुके हैं सुबह के, देखते हैं क्या होता है, यहाँ से बढ़ते हैं आगे। आधा घंटा ही हुआ था कि अचानक मौसम बदलने लगा, तेज हवाओं के साथ बर्फीला तूफान आना शुरू हो गया। ऐसे में रहने के लिए केव ढूंढना मुश्किल हो रहा था। समझ नहीं आ रहा कहां को जाऊं मैं अब, यहां हवा इतनी तेज है कि मैं अभी एक पत्थर के पीछे रुका हूँ। ऐसे में समझ नहीं आ रहा मैं किस साइड को जाऊँ। यहाँ पे 3 फीट से भी ज़्यादा गहरी स्नो है, चलना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। अब मुझे थोड़ा ऊपर को जाना पड़ेगा, नीचे साइड को और गहरी स्नो होगी। ज़्यादा मौसम यहाँ पे अचानक से चेंज हुआ और एकदम तूफान आ गया। ऊपर से अपने पास टेंट नहीं है, तो अगर शेल्टर ना मिला तो ऐसे ठंड में कुछ भी हो सकता है। टाइम अभी लगभग
एक बजने वाले हैं। अब ऊपर पर को जाता हूँ, देखो जैसे नीचे जा रहा हूँ स्नो लगभग 2 फीट यहाँ पे है, नीचे नीचे को 3 फीट 4 फीट तक भी है। काफ़ी ढूंढने के बाद एक छोटी सी केव टाइप की मिली है मुझे, और मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा स्पेस है इसके अंदर, बट यहाँ से ये पूरा खुला हुआ है पर ज़्यादा भी सेफ नहीं है। ऐसे स्टॉर्म में बट यहाँ से भी अंदर को आ रहा है बर्फ, तो इसको देखते हैं अगर कुछ उपाय हो पाता है तो। पहले अपना बैग और कपड़े वगैरह सेव कर लेते हैं। पानी रुकने का नाम ले रहा है, ऐसे में काफ़ी मुश्किल आती है कुछ भी हो पाना, एकदम बर्फ चेहरे पे लग रही है खतरनाक। ये तो इन पत्थरों के नीचे है गुफा, और यहाँ से ना एक होल है बड़ा सा, अगर ये कवर हो जाए तो यहाँ से अंदर हवा नहीं जाएगी, उसके लिए ये वाला पत्थर लग रहा है मुझे, पता नहीं ये तो नहीं हो पाएगा। यहाँ से देखो अंदर कोई हवा जा रही है, साथ में पूरी स्नो भी, कुछ उपाय ढूंढना पड़ेगा। अभी थोड़ी हवा कम हुई है, चलो थोड़ा बहुत
कवर तो हो जाएगा। इसमें बर्फ अगर आती है ये वाला जो होल था वो पूरा कवर हो चुका है। चलो सामने वाला एरिया कैसे भी कवर करना होगा क्योंकि ऐसी हवाएं चल रही है, नाइट स्पेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, बर्फबारी भी हो सकती है। 2 बजे का टाइम हो रहा है और 2-3 घंटे हैं। अंदर बिछाने के लिए कुछ घास वगैरह चाहिए रहेगी, लकड़ियाँ अगर मिल गई मुझे, वैसे तो नीचे दिख रही है मुझे कि काफ़ी सारी लकड़ियाँ हैं और वो लेके आनी है और पहले ये वाला एरिया कवर कर लेना है। एक लकड़ी मुझे मिली थी यहाँ पे, देखते हैं मौसम कैसा रहता है। फिलहाल तो काफ़ी क्लाउड है और हवा भी चल रही है, कुछ नहीं कह सकते। आधे टाइम मौसम ठीक ठाक था बट यहाँ पहुँचते पहुँचते एकदम तूफान आ गया। मुझे चाहिए वाली घास, ये बर्फ़ के ऊपर बिछा के कुछ उनका काम करेगी, साथ ही थोड़ा वार्म रहने के लिए ये वाली घास ज़रूरी है ताकि नीचे से ठंड न लगे। कोशिश जारी है यहाँ पे एक वॉल बनाया जाए कैसे भी घास लकड़ी वगैरह से ताकि कंफर्टेबली मैं रह पाऊँ यहाँ पे। फिलहाल थोड़ा कवर कर लिया मैंने, अब यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे मैं सोने के लिए बेड टाइप का बनाऊँगा। ऐसे तो लकड़ियों का तो बना नहीं पाऊँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इस बर्फ़ के ऊपर ही मैट या फिर पहले टाप बिछा के इसके ऊपर सो सकता हूँ मैं।
बाहर पे भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, पर अभी थोड़ा अच्छा फील हो रहा है कि अंदर इतनी हवा नहीं आ रही है। अब ज़रूरी काम, आग जला लेते हैं एक बार। आग ला के बैठा हूँ, काफ़ी लोगों की डिमांड पे यार ये सर्वाइवल वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप सपोर्ट करोगे तो ऐसे वीडियो और भी आएंगे। तो ऐसी वीडियो में काफ़ी एफर्ट लगता है, मेहनत लगता है, और अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा ऐसी वीडियो बनाने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को काफ़ी सपोर्ट करेंगे। जिस कंडीशन में ये मैंने कोशिश करी है, तो उम्मीद यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सपोर्ट करेंगे ताकि ऐसी वीडियो और मैं बना पाऊँ। फ़िलहाल बाहर का मौसम एकदम डेंजर बना हुआ है और जल्दी जल्दी कुछ बनाने की सोच रहा हूँ। खाने में मैं सोच रहा हूँ कुछ वैसे मेरे पास कप नूडल और वगैरह कुछ ऐसा है फास्ट फूड टाइप। यहाँ पे ना बड़ी दिक्कत है, यहाँ पर बड़ा होल है, अगर बर्फ़बारी हुई तो फिर सीधे अंदर ही आएगा, तो ऐसे मैं ना सो पाऊँगा। मैं समझ नहीं आ रहा, और हवा भी चल रही फिर से दोबारा। अभी कोई 7 बजे हैं रात के, 11 घंटे अभी सरवाइव करना है इस शेल्टर के अंदर। पता नहीं, डर सा लग रहा है, देखते हैं, होप कि अच्छे से कट जाएगा। चलो अब जाके थोड़ी राहत मिली है, आग जल चुकी है बढ़िया। बर्फ़बारी बहुत तेज़ होनी स्टार्ट हो चुकी है, अब थोड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ पे पानी एकदम ठंडा हो जा रहा है, अभी जस्ट एक उबला हुआ पानी था। पैर एकदम ठंडे पड़ गए, जम चुके ऐसा लग रहा है, थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। अपने पास एक आलू है, मैं सोच रहा हूँ इसको चूल्हे में डाल के खा लिया जाए ऐसे ही, और साथ में कप नूडल भी है, तो कप नूडल खाना पड़ेगा। अपने पास कुछ खाने के आइटम है, खा लिया जाए एक बारी, खाने पे अपना फोकस करना चाहिए। पानी की बोतल 2 मिनट में जम जा रही है, तो क्रिस्टल आ रहे अंदर से। ऐसे में जो मिले जितना है जो है वही खाना बेटर है। देखो सुनो, अंदर तक आने से हो चुकी है, पीनट बटर एकदम हार्ड हो गया।
लगता है पानी कम पड़ गया थोड़ा। बाहर पे देख सकते हैं आप बर्फबारी बहुत तेज हो रही है। अब टाइम है पानी बनाने का, यहीं से उठा लेते हैं बर्फ। कप नूडल रेडी हो चुका होगा। जितनी उम्मीद थी उससे तो कम ही ठंड, पर रात का कुछ नहीं कह सकते। अभी केवल 9 के आसपास का टाइम है, तो अभी 6-7 घंटे। स्पाइसी। एक लाइट ने तो जवाब दे दिया, पता नहीं आज इतना कम बैकअप क्यों। साथ में आलू देखते हैं। वाओ, अंदर तक पका है। अभी मैं नूडल वगैरह खा के ही बैठा हूँ और देखो आग जली हुई है। पैर सुखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़्यादा अब मौसम थोड़ा सही हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ सो जाऊँ। अभी सोते हैं, मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में। देखते हैं रात को अगर कुछ हुआ तो दिखाऊँगा। ऐसे बर्फबारी हुई तो, ज़्यादा हवा चल रही है तो ठंड लग रही है अब तो। गुड नाइट गाइस, मिलते हैं मॉर्निंग में, सोते हैं अभी। अंदर बर्फ आ रही है काफी ज्यादा, सोना चाहिए जल्दी। मंजिल है अनजानी ठंडी हवा, ये चांदनी सुहानी, सुना कोई कहानी। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 6:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और लगभग 4 बजे के बाद नींद नहीं आई और उसके बाद गाने चलाए और अभी तक बस इन्जॉय कर रहा था। ठंड लगी थोड़ी बहुत, बट इतनी भी नहीं लगी कि नींद ना आए। लगभग 11 बजे के बाद अच्छी नींद आई। उसके बाद मौसम भी साफ हो गया था और हवाएँ चल रही थी, बट और उस न चाहते हुए मुझे ये आग बुझानी पड़ी यहाँ पे, क्योंकि इतना धुआं आ रहा था अंदर को कि सो नहीं पा रहा था मैं। और यहाँ से देखो, जब स्नोफॉल रहा था तो यहाँ से अंदर आ रही थी स्नो सीधे। हाँ, तो ठीक ठाक रात कटी और सुबह हो चुकी है और आज मौसम एकदम क्लियर है तो धूप आ जाएगी जल्दी। पानी की बोतल देखो कैसे पूरे क्रिस्टल जम गए अंदर से। ये स्लीपिंग बैग के कोने में था फिर भी जम गया। अभी ढक्कन इसका खुलेगा नहीं। पानी पीने का मन था बट धूप आने के बाद ही खुल गई। अब
तो गाइस पीछे जो केप है आप देख रहे हैं, कल रात इसमें मैंने स्टे किया था। काफ़ी ठंड है अभी, बहुत ही ज़्यादा हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी, बस अभी धूप आने का इंतज़ार है। और कल रात -12 टेम्परेचर दिखा रहा था, -12, तो अभी भाई साहब एक्सट्रीम ठंड है, हाथ एकदम क्या बताऊँ। ऐसे में ये प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार चाय बना के चाय पी लेता हूँ। कैसी आवाज़ कर रहा है पैन, और बाहर धूप अभी तक नहीं आई है, तो टाइम लगेगा, तब तक चाय बन जाएगी अपनी। गाइस यही रियल सर्वाइवल है, यहाँ पे सब कुछ आसानी से नहीं मिलता, पानी के लिए भी बहुत कुछ। हाँ, अभी लग रहा है कि ज़िंदगी वापस फिर से शुरू हो रही है। कॉफ़ी पीते हैं, उसके बाद पैकिंग करेंगे, फिर वापस जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस वीडियो का काफ़ी सपोर्ट करेंगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी मुश्किलें भी थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही ब्लॉग चैनल पर ज़रूर देखना, ब्लॉग अब कंटिन्यू आ रहे हैं, तो लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं ब्लॉग चैनल को और वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक और ऐसी किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।